ऑयल एंड गैस स्पेस में किस तरह के स्टेप्स ले सकती है सरकार, बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में एलपीजी सब्सिडी एलोकेशन में बड़ी कटौती करने वाली है। इसमें 50% से भी ज्यादा की कटौती की जा सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो कुल एलपीजी सब्सिडी का एलोकेशन होगा वो सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 50% से भी कम है। पिछले बजट में सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के तौर पर करीब 14,000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। सूत्र हमें बता रहे हैं क्योंकि पिछले साल भर से भी ज्यादा समय से सभी कंज्यूमर को एलपीजी सब्सिडी का भुगतान सरकार नहीं कर रही है। कुछ एरिया में जो कि रिमोट एरियाज है वहां पर सब्सिडी के कुछ रकम जो है कंज्यूमर को दी जा रही है, वो भी 30 रुपए या 50 रुपए के आसपास, लेकिन वो एलपीजी सब्सिडी नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी है। लिहाजा जो सब्सिडी आउटगो है वो नेग्लिजिबल हो गया है। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए की ही मांग की है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने यह इंटेंशन क्लियर कर दिया है कि आगामी वित्त वर्ष में भी यानी कि वित्त वर्ष 2023 में भी कंज्यूमर को एलपीजी सब्सिडी का फायदा नहीं मिलने जा रहा है। सूत्र में भी बता रहे हैं कि एक और रणनीति बनाई गई है जिसके हिसाब से मान लीजिए कि ग्लोबल मार्केट में एलपीजी की कीमतों में काफी बढ़ोतरी होती है, उसको देखते हुए जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो कुछ समय तक इसका नुकसान वहन करेंगी, और जब एक बार कीमतें नॉर्मल हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो फिर वो अपने नुकसान की भरपाई जो है वो कर सकती हैं, और ये रणनीति अभी भी अप्लाई की जा रही है। इसके अलावा सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि सरकार जो है एलपीजी खरीद के मामले में एक पैरिटी ला सकती है, यानी कि सरकारी कंपनियां जो है या प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें एक समानता लाई जा सकती है। अभी ये हो रहा है कि अगर प्राइवेट कंपनी एलपीजी इंपोर्ट करती है तो उन्हें 5% इंपोर्ट ड्यूटी देना होता है, लेकिन सरकारी कंपनियों को इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना होता है। लिया जाए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए ये पैरिटी लाई जा सकती है।